तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फोर्स के बारे में पढ़ा था भैया। फोर्स क्या होता है हम लोगों ने देखा, फोर्स के टाइप्स देखे हम लोगों ने, है ना। फोर्स का मतलब बेसिकली अगर हम लोग मोटा मोटा समझ रहे थे तो पुश और क्या समझ रहे थे, पुल, है ना। या ये समझ रहे थे कि एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी या सिस्टम की क्या करती है, या तो पोजीशन को चेंज करेगी या चेंज करने का प्रयास करती है, ट्राई कर रही है। ऐसे एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है ना भाई। फोर्स की यूनिट की हम लोगों ने बात की थी, यूनिट फोर्स का क्या होगा, न्यूटन होगा, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम इसकी यूनिट क्या होगी भैया, सीजीएस सिस्टम इसकी यूनिट क्या होती है, डाइन होगा या फिर क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। फिर हमने न्यूटन और डाइन में रिलेशन भी डिस्कस किया था आप लोगों से कि वन न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, है ना। सो वन न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10^5 डाइन होते हैं, 10^5 डाइन होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई थी। फिर इसमें हम लोगों ने फोर्स के टाइप्स देखे थे, कितने टाइप बात किए थे भाई, जरा बताओ जल्दी से फटाफट। चलो पहले फोर्स को हमने दो टाइप पे लिखा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा हमने क्या लिखा, नॉन कॉन्टैक्ट। पहले हमने लिखा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरा हमने लिखा नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब ऐसा फोर्सेस हैं जो बॉडी के सरफेस के टच में नहीं रहते हैं लेकिन उस बॉडी पे एक्ट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या है, किसी बॉडी के सरफेस के टच में रहकर उस पर अप्लाई होते हैं, उस पर काम करते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनको भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, किसमें किसमें भाई, एक बैलेंस्ड फोर्सेस, एक हमने क्या लिखा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फिर हमने लिखा था इनको बैलेंस्ड फोर्सेस, इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस इसको हमने क्या लिख दिया, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस का हमने कहा, मान लीजिए किसी बॉडी सिस्टम पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, तो इन सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे मान लीजिए एफ वन है, ये एफ टू है, ये क्या है, ये क्या है, एफ फोर है। तो ये एफ वन वैक्टर एफ वन प्लस वैक्टर एफ टू हमने लिखा था प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो। जब एलजेब्रिक सम इक्वल टू जीरो हो तो उन सभी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन में, बैलेंस्ड फोर्सेस। या इन शॉर्ट ऐसे समझो एज ए लेमैन, अगर किसी बॉडी सिस्टम पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं और बॉडी की स्टेट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, मोशन में है तो मोशन में ही है, तो हम कह पाएंगे जो फोर्सेस हैं वो कैसे फोर्सेस हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। उन फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। जब बॉडी की पोजीशन में चेंजेस आ जाएंगे, मतलब ये क्या एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी की पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, तब हम कहेंगे वो फोर्सेस कैसे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं का मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जा रही है, मोशन में है तो रेस्ट में आ रही है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है या बढ़ रही है, तो उस केस में कहेंगे ऐसे फोर्सेस क्या हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। इन शॉर्ट कहें अगर मैथमेटिकल वे में, तो जो फोर्सेस लग रहे हैं उस बॉडी पे उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, कुछ न कुछ उसकी वैल्यू ज़रूर आएगी। ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और बैलेंस फोर्स का मतलब अलजेब्रिक सम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आ गई बात हमारी, इतनी बातें हो गई थी। क्या इससे ज़्यादा भी कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं, इतना ही देखा था ना। आज फिर आगे कुछ पढ़ा जाए कंटिन्यू, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्टडिंग करिए आप इनर्शिया, व्हाट इज़ व्हाट इनर्शिया। लिखो भाई इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, पहले लिखिए इनर्शिया क्या होता है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। इनर्शिया में लिखो, ठीक है,
बोला जाए, इनर्शिया लिखो, देखो सर आ गए तुम्हारे, लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बाय वर्च्यू वी आई बाय वर्च्यू ऑफ विच बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस टू चेंज इट अपोजेस टू चेंज इट अपोजेस टू चेंज इन इट्स इनिशियल इन इट्स इनिशियल इन इट्स इनिशियल पोजिशन या स्टेट जो लिख लो इन इट्स इनिशियल पोजिशन और वॉट स्टेट इन इट्स इनिशियल पोजिशन और वॉट स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया. उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनर्शिया कहेंगे. ठीक है, मतलब किसी बॉडी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो क्या करती है, अपने इनिशियल जो उसका पोजीशन है, जो स्टेट है, उसमें चेंजेस का क्या करती है, अपोज करती है, उसका विरोध करती है. उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया. ठीक है, इसका मतलब किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में होने वाली परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, उस गुण को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, उसको हम जड़त्व कहते हैं हिंदी में. ठीक है, लिख लीजिए, वो लड़की इसलिए बोल रहा हूँ, मालूम वीडियो देखेगी तो. ठीक है, अब लिखेंगे ये क्या है. चूंकि ये प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस मटेरियल की, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. तो लिखो, सिंस इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, हाँ, सिंस इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस या मटेरियल जो भी लिखना चाहो, सिंस प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, दैट्स वाई इट हैज नो यूनिट, दैट्स वाई इट हैज नो यूनिट, दैट्स वाई इट हैज नो यूनिट. यूनिट यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा. दैट्स वाई इट हैज नो यूनिट. लिखे, दैट्स वाई इट हैज नो यूनिट. नो डाउन फ्रो. ठीक है, हो गया. तो चूंकि ये किसी प्रॉपर्टी, किसी सब्सटेंस मटेरियल का जो भी पदार्थ है उनका गुण है, इसलिए गुण का कोई यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता है. ठीक है भाई, जैसे आप समझिए, अगर मैं ये कह दूं कि कोई इंसान गोरा है, वो उसका गुण है, क्वालिटी है ना, उसकी प्रॉपर्टी है, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि वो 5 kg गोरा है या 5 meter गोरा है? इसका कोई यूनिट होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक गुण है. हमने कह दिया जैसे कोई बहुत तेज़ है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत क्या है वो, ब्रिलियंट है, तो हम ये कह पाएंगे क्या कि वो 1000 kg ब्रिलियंट है या 500 liter ब्रिलियंट है? जो वर्च्यू है, जो प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती. समझ पाए? इसलिए इसकी कोई यूनिट. लेकिन इनर्शिया किसके कारण होगा? जैसे इस टेबल में इनर्शिया है, इसमें क्या है, अब इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स हमें इसीलिए अगर लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये अपनी इनिशियल पोजिशन में चेंज होने का क्या कर रही है, अपोज कर रही है. अगर ये अपोज नहीं करती तो हम आसानी से इसको उठाकर कहीं भी रख लें. तो अपोज क्यों कर रही है? क्योंकि इसमें अपना, इसका कुछ मास, अगर इसका कुछ मास नहीं होता, सपोज कागज का टुकड़ा है, तुरंत उठाएंगे हम, तुरंत कहीं भी क्या कर लेंगे, उसको
रख लेंगे, हमें बहुत कम से कम फोर्स वहाँ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इनर्शिया का जो मेन काज है, जो मुख्य कारण है, वो क्या है? मास है। किसी पिंड का क्या है? द्रव्यमान है। किसी ऑब्जेक्ट का क्या है? मास है। जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? इनर्शिया होगी। छोटे से पत्थर को, कंकड़ को उठाकर हम कहीं भी अचानक से फेंक लेंगे, जल्दी से फेंक लेंगे, लेकिन बड़ा सा पत्थर हो, बड़ा सा कंकड़ हो, बहुत बड़ा सा पत्थर हो, पहाड़ जैसा या कुछ भी हो, हिला डुला पाएंगे उसको, फेंक पाएंगे आप? नहीं। जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसमें इनर्शिया उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसको हटाना, मूव कराना, उसकी पोजीशन को चेंज करना उतना ही क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इसका मतलब इनर्शिया का जो मेन कॉज है, जो मुख्य है, उसका रीज़न है, कारण है, वो क्या है? मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो लिखिए नीचे से, लिखो द मेन कॉज ऑफ इनर्शिया इज, द मेन कॉज ऑफ इनर्शिया इज मास। द मेन कॉज ऑफ इनर्शिया इज मास। द मेन कॉज ऑफ इनर्शिया इज वॉट? मास। इनर्शिया इज मास। इनर्शिया का जो मेन कॉज है वो क्या है? उसका मास है। द मेन कॉज ऑफ इनर्शिया इज मास। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हैं बताओ भाई? हाँ देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड लिखो इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड क्या होगा? इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है भाई। अब इसको समझ लीजिए क्या है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब, अगर कोई बॉडी सिस्टम आपकी रेस्ट में है तो मोशन में आने क्या क्या करेगी? अपोज करेगी। वो मोशन में नहीं आना चाहिए, रेस्ट में ही रहना चाहिए। तो उस टाइम उस बॉडी में जो इनर्शिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे हमने ये कह दिया टेबल पड़ा हुआ है, ये शीट बेंच जो भी पड़ी हैं, इनको हटाने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें इनर्शिया है, ये अपनी पोजिशन में चेंज होने का क्या कर रही है? अपोज करेंगी। तो इसका मेन कॉज क्या है? मास है। जिसमें जितना ज़्यादा मास होगा उसमें उतनी ज़्यादा क्या होगी? इनर्शिया। अगर ये टेबल बेंच सीट, टेबल बेंच सीट क्या होगी? अगर आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसका मास बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेस्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखिए, जैसे आप किसी बाइक पे बैठे हों या बस पे बैठे हों या कार में किसी में बैठे हों, बाइक पे बैठे हों, कोई बाइक बहुत तेज चलाता हो, बहुत तेज़ी से अगर बाइक को एक्सेलरेट कर दे तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। आपको लगता है पीछे गए, जबकि पीछे नहीं गए। हुआ क्या कि आपकी बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो बाइक के साथ आप जब बैठे हैं, जहां आप तशरीफ़ रखे हुए हैं, आप बाइक के साथ आगे निकल जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है अभी भी उसी प्लेस पे बना हुआ है। तो जब बॉडी आगे बढ़ जाती है तो वो जल्दी से खींचा जाता है इस तरह से, तो आपको लगता है कि आप पीछे गए, जबकि पीछे नहीं गए। क्या गए? नीचे वाला हिस्सा हमारी बॉडी का आगे बढ़ गया, वो पीछे रहता है। तो हमारा स्पाइनल कार्ड भाई, चूंकि अब इतना तो है नहीं कि बहुत दूर तक चला जाएगा, जहाँ तक उसकी लिमिट है, तुरंत उसको क्या करता है फिर ये खींचेगा, तो खींचा जाएंगे या फिर आगे जाएंगे आप। ये रेस्ट है, इनर्शिया क्या है? रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है? कि जब कोई बॉडी सिस्टम अगर आपका मोशन में है, मतलब चल रही है, गति में है, तो वो रुकने का क्या करेगी? अपोज करेगी। वो चलता ही रहना चाहेगा, मतलब चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो रोकने वाला कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे बाइक या कार में ही बैठे हैं आप, उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो आपकी बॉडी का नीचे वाला हिस्सा तो कार या बाइक के साथ तुरंत लग जाएगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो फ्री है ना, तो वो अभी भी आगे जाना चाहेगा, इसीलिए आप आगे की तरफ क्या होते हैं? झुक जाते हैं इस तरह से। इसीलिए कार में सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी जाती है, कि कभी एक्सीडेंट हुआ या अचानक से ब्रेक वगैरह लगाना पड़ गया
तो नहीं तो आप आगे टकरा जाएंगे आपका सर, है ना। सीट बेल्ट रहेगा तो वो आपकी बॉडी को बांध कर रखेगी, आप आगे नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, आप तो एयर बैग्स हैं एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन सीट बेल्ट का तो अभी भी वो प्रोविज़न है, वो तो लगाना ही पड़ेंगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का जो डायरेक्शन चेंज होता है, तब भी आपकी बॉडी डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, मूव होती है। जैसे आप बस में बैठे हैं, बस अचानक से ऐसे जा रही है लेफ्ट टर्न ली, तो आपकी बॉडी राइट डायरेक्शन में क्या होती है, क्यों, क्योंकि बॉडी अभी भी हमारी उसी डायरेक्शन में जा रही है। बस जब टर्न हो गई तो बॉडी का हमारा नीचे वाला हिस्सा बस के साथ टर्न हो गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेसिकली आप उधर झुकते नहीं, आपकी बॉडी का नीचे वाला हिस्सा दूसरे डायरेक्शन में मूव हो गया, अपर वाला हिस्सा अभी भी उसी डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम कार में बैठे हैं, सीट बेल्ट लगाए हैं, तो तुरंत इस तरह से हमारी बॉडी भी कार के साथ क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। इसलिए सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी जाती है। तो ये इनर्शिया ऑफ क्या है, डायरेक्शन है। तो ये तीन है, जानते हो इनकी एग्जाम्पल, कभी कुछ एग्जाम्पल देकर सीनियरियो क्रिएट करके आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें किस टाइप का इनर्शिया होगा, तो इस तरह का आइडिया आप अपना रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। इनर्शिया के कितने टाइप्स हैं, तीन है, किस कितने तरीके से हो सकता है ये। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया का जो मेन कॉज है ये क्या है, इनर्शिया मास है। ये हम लोगों ने देख लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे बात किया जाए फिर। चलिए अब देखो, इसका कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप समझो, इनर्शिया को आप ऐसे समझो, इनर्शिया का जो मेन काज है वो क्या है, मास है, हमने कह दिया। जैसे मान लीजिए कार है, कार भी मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और एक ट्रक भी है आपकी, मान लीजिए लोडेड ट्रक है, वो भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। तो ट्रक अगर लोडेड है तो ऑब्वियस ही बात है उसका मास ज़्यादा होगा कार के रिस्पेक्ट में। दोनों 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहे हैं, दोनों पे एक ही टाइम पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जाता है, तो दोनों में से कौन पहले रुकेगा, आप मुझे बताओ, कार पहले रुकेगा कि ट्रक पहले रुकेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक कार है एक ट्रक है, ट्रक क्या है, लोडेड है, मतलब कुछ टन में उसका वेट होगा, मान लो 10 टन है, और एक कार है, कार का वेट मान लेते हैं चलो 1 टन है, ऑब्वियस बात है ट्रक का मास ज़्यादा है। दोनों हमने कहा एक सेम स्पीड से जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों ही जा रहे हैं, दोनों पे एक साथ ब्रेक अप्लाई किया जाता है, तो दोनों में पहले कौन रुकेगा, कार रुकेगी, क्योंकि कार का मास कम है तो रुकने का कम से कम अपोज करेगी ना, लेकिन ट्रक का मास ज़्यादा है, मोशन में है तो रेस्ट में आने का ज़्यादा अपोज, इसका मतलब ट्रक में इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, कार में कम होगा, इसलिए कार पहले रुक जाएगी, ट्रक बाद में रुकेगा। इसके उल्टे समझिए, अब मान लीजिए दोनों रेस्ट में हैं, दोनों को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, दोनों को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लाना चाहते हैं, दोनों को अगर हमने एक्सेलरेट किया तो कौन सबसे पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, कार करेगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मास कम है वो जल्दी से आ जाएगा, ट्रक का मास क्या है, ज़्यादा है, तो उसको वहाँ तक आने में थोड़ा टाइम, बात समझ में आ रही है, मोटा मोटा क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट, इनर्शिया क्या है, क्लियर हुई बात हमारी, आगे बढ़े फिर। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट है इनर्शिया के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन क्या है, जरा देखिए, पढ़ें इसको। चलिए, इनके तीन लॉ हैं बेसिकली, कितने लॉ हैं न्यूटन्स के, तीन लॉ हैं, न्यूटन के कितने लॉ हैं भैया, तीन लॉ हैं, ये लिखो, फर्स्ट लॉ हम लोग डिटेल में बात करेंगे, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ये क्या है, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ को ही कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यही इनर्शिया के डेफिनेशन भी है, इसी को और किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ को ही सेकेंड नाम से क्या जानते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम, क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ मोमेंटम,
लॉ ऑफ मोमेंटम इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ को ही दूसरे नाम से क्या जानते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक एक हेडिंग करते हैं। अब इसको लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में बताया था, इसलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहा जाता है। तो फर्स्ट हेडिंग कर लेना या इसी के नीचे लिखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। हाँ, गैलीलियो ही इनर्शिया के बारे में बताए थे पहले, इसलिए फर्स्ट लॉ को ही क्या किया गया उनको डिवोट करते हुए, क्या लॉ ऑफ गैलीलियो या इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, बात एक ही है सब, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, जैसे मान लीजिए बॉटल यहाँ रेस्ट पे पड़ी है तो रेस्ट पे ही रहेगी, जैसे ये बॉटल है मान लीजिए, ठीक है, अगर ये कहीं ऐसे रखा हुआ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो लगातार मोशन में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई रजिस्ट्री फोर्स ना लगाया जाए। समझ पाए मेरी बात, ये न्यूटन, ये इनर्शिया ही तो है। रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ना रहना चाहिए कि मोशन में है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे, मतलब अगर कोई वस्तु आपकी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में लिखिए आप लोग, अब लिखो, हाँ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ हेडिंग कर लो, अब लिखो इसमें सब कुछ आराम से। तीन लॉ हैं, तीनों पे हम लोग बात करेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, हेडिंग करो फटाफट लिखो, चलो बोले भाई खान साहब लिखा जाए, लिखिए इसमें। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, लिखो, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज एट व्हाट, रेस्ट और इन मोशन, और इन व्हाट, मोशन, देन इट विल बी इन द सेम स्टेट, देन इट विल बी इन द सेम स्टेट, देन इट विल बी इन द सेम स्टेट अनटिल, या फिर अनलेस जो लिखना चाहो, अनटिल, या फिर आप क्या लिखे, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, अनटिल व्हाट, अनलेस an external force is applied on it, an external force is applied on it, until what, what, unless an external force is applied on it, is that clear, pehla likhiye, samajh aayi baat, jaise maan liye koi example likh lo usko, pehle likho, for example jaise a book on a table, ये तो रेस्ट वाला एग्जांपल हो गया, ए बुक ऑन ए टेबल, अगर कोई बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो टेबल पे ही पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई करके इधर उधर डिस्प्लेस ना कर दे, बात समझ में आ रही है ना, ए बुक ऑन ए टेबल, ये तो रेस्ट वाला हो गया। एक मोशन वाला एग्जांपल लिखो, एक मोशन वाला एग्जांपल लिखो, जैसे मोशन ऑफ व्हाट, या प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन, जैसे प्लैनेट हमारे रिवॉल्व हो रहे हैं ना सन के इधर उधर, तो जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं लगा जाएगा तब तक वो लगा क्या होता है, क्या रहते रहेंगे, मूव होते रहेंगे, प्लैनेटरी मोशन। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स ही है, बाकी रजिस्ट्री फोर्स भी लगेगा, बहुत सारे फ्रिक्शन भी लगते रहते हैं ना, सड़क के, कार के टायर के बीच में फ्रिक्शन होगा, कार के अपने जो भी पार्ट्स हैं अंदर के, जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, बहुत सारे रजिस्ट्री फोर्स लगते रहते हैं ना, तो कार ऐसी भी रुकेगी अगर आप नहीं एक्सेलरेट करेंगे तब भी, क्योंकि बहुत सारे फोर्स ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, कार जिस डायरेक्शन में जा रही है उसमें हवा का
भाई डायरेक्शन क्या है, किस तरह से हवाएं बह रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो बहुत तेज़ी से कार रुक जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहा है हवा की भी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कार भी जा रही है, हो सकता है कार थोड़ा सा और डिस्टेंस जाए रुकने के बाद भी बहुत तेज़ हवा चल रही है तो। लेकिन ऐसे समझो बहुत सारे रेजिस्टिव फोर्स वर्क करते हैं। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो उनके मूवमेंट को अपोज कर रहा है, जिसे जो फ्रिक्शन भी होगा वो भी अपोज करेगा ना, वो भी तो उसको रोकेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, स्मूथ होगा सरफेस, तो बहुत तेज़ी से स्लिप होगा ना, क्यों रुकना चाहेगा वो। फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग सड़क पे या कहीं चल पा रहे हैं, नहीं आइस की अगर इस तरह से बर्फ की सिल्ली हो आपको चलने के लिए कह दिया जाए, आप चल पाएंगे? इतना तेज़ आपका पैर स्लिप होगा कि आप वहाँ चलना आपके लिए क्या हो जाएगा। जैसे इसी फ्लोर पे अगर हमने पूरा क्या कर दिया, मस्टर्ड ऑयल कोई ऑयल हमने ऐसे फैला दिया, यहाँ चलना आपके लिए आसान होगा क्या? इतनी तेज़ आप स्लिप करेंगे कि फिर आपको समझ में आ जाएगा चार चांद दिखेंगे दिन में एकदम, दिखेंगे ना। हाँ, फ्रिक्शन से ही हमारा चलना पॉसिबल है, फ्रिक्शन जीरो हो गया तो चलना क्या हो जाएगा। ठीक है, चले भाई, लिखा आपने दोनों एग्जाम्पल हमने। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। सेकेंड लॉ हेडिंग कर लो, या लॉ ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। जल्दी से हेडिंग करो भाई, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलिए चलिए लिखते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। देखिए, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देन इट इज इक्वल टू द, मतलब इट का मतलब फोर्स से बात हो रही है ना भाई, फोर्स किसके इक्वल होगा, देन इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, देन इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, देन इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मैं बोल दे रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, आप घर पे बैठ कर लिखना, इसको कैमरे में बोल दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, आप घर पे आराम से बैठकर धीरे धीरे लिखना। हिंदी नहीं लिखी, प्रैक्टिस नहीं की है ना, हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, ठीक है बोलूँ मैं? देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप ऑन रिकॉर्ड इसको लिख लेना आप आराम से घर पे। देखिए क्या कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का जो दूसरा नियम है, बाकी सब में हमने बोल दिया स्टेटमेंट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया, सबकी हिंदी हमने बोल दिया, और आराम से घर पे बैठ के लिख लीजिएगा उसको सुनकर, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, या न्यूटन का जो दूसरा नियम है, जो द्वितीय नियम है, वो ये कहता है, इसी को लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ मतलब संवेग का नियम भी कहते हैं, इसको संवेग का नियम भी। अभी मोमेंटम क्या होता है हम आपको बताते हैं, शॉर्ट में बताकर फिर इसका डेरिवेशन कराते हैं। संवेग का नियम ये कहता है कि अगर किसी वस्तु पर हमने बाह्य बल लगाया है, तो वह बल जो है वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वह वस्तु में हो रहे संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा, ठीक है। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। अब देखिए मोमेंटम क्या है, संवेग क्या है, अगर आपको पता है तो आप इसको कर पाएंगे, अगर नहीं पता है तो पहले संवेग क्या होता है साइड में लिख लो। आपको पता है क्या होता है संवेग, पीछे आपने पढ़े होंगे ना पहले वाले चैप्टर में, जो मोशन मोशन वाला चैप्टर है आपका, रेस्ट है, वहाँ आपने संवेग पढ़ा होगा, मोमेंटम पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो जल्दी से देख लो भाई, मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। एक टर्म होता है क्या, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है उस बॉडी की। रेखीय संवेग, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं भैया, रेखीय संवेग, उसको लिखते हैं हम रेखीय संवेग।
उस बॉडी के मास और उसकी इस वेलोसिटी के क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, जो भी बॉडी है मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए जैसे ये बॉडी है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा भैया, मान लेते हैं इसका मास क्या है, m है, और ये किस v स्पीड से जा रही है, इस डायरेक्शन में, इस v स्पीड से जा रही है, इसका जो मोमेंटम होगा सेम इसी डायरेक्शन में मिलेगा, और p इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ये एक बॉडी है आपकी, तो भाई जब ये मूव हो रही है तो कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा ना इस पे, कोई ना कोई फोर्स तो इस पे लग रहा होगा, तभी तो ये मूव हो रही है। इस पे जो फोर्स लग रहा है मान लेते हैं क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। तो वही न्यूटन साहब कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु पे, किसी भी बॉडी पे अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये जो फोर्स होगा, ये जो क्या होगा, फोर्स होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब डेल पी बाई क्या होगा, ये डेल टी होगा। ठीक है ना, न्यूटन साहब ये कह रहे हैं एफ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, मतलब संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये बल बराबर हो जाएगा। न्यूटन साहब ये कह रहे हैं, वो हमारा रेखीय संवेग है, लीनियर मोमेंटम है, ये हमने समझ लिया। अब इससे देखिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, सिंस आप जानते हैं कि p इक्वल टू हमने अभी क्या पढ़ा, मास इनटू क्या है, वेलोसिटी है, तो संवेग में परिवर्तन निकालेंगे, लीनियर मोमेंटम में अगर हम चेंज निकालेंगे तो p अगर हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम करेंगे तो चेंज इन मास इनटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो उसका मास चेंज होगा क्या, नहीं, केवल वेलोसिटी चेंज होगी ना, मास चेंज नहीं होगा, तो मास को बाहर कर लेंगे, लेकिन केवल और केवल किस में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसके वेग में परिवर्तन आएगा, केवल और केवल किस में परिवर्तन आएगा भैया, उसके वेग में परिवर्तन आएगा, किस में परिवर्तन आएगा, वेग। ये क्या है समझ रही हो ना, एम का मतलब यहाँ पर किससे है भैया, मास से है, एम का मतलब किससे है, मास, मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। दूसरा क्या है इसकी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या है इसका, वेग, क्या होता है भैया, वेग। तो ये m इंटू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन, मास बढ़े, ठीक है। सो यहाँ से f इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा बताओ हमें, f इक्वल टू हो जाएगा डेल p के प्लेस पर हम क्या रख दें, यहाँ m इंटू डेल v अपॉन में क्या है, डेल t। अब इसको थोड़ा सा और सरल करें, हाँ डेल, वही डेल, डेल्टा का ही शॉर्ट फॉर्म है डेल, डेल्टा को ही शॉर्ट में क्या कहा जाता है, डेल। ये m इंटू क्या हो गया, ये डेल वी वाई डेल टी, मतलब डेल्टा वी वाई डेल्टा टी। आप जानते हैं एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है आपका, वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है आपका, समय अंतराल। सिंस एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, डेल वी वाई डेल टी, इसलिए फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। यही तो न्यूटन का दूसरा नियम है, जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट, चलो भाई जल्दी से लिखो, जल्दी से नोट डाउन करो। नोट करिए, नोट करिए, जल्दी से करिए। डेल्टा वी कहाँ, ये डेल पी है, डेल पी इक्वल टू डेल ब्रैकेट में एम इंटू वी है, ब्रैकेट में क्या है, एम इंटू वी है, मास इंटू क्या है, वेलोसिटी, यही है ना, वो लिखा ना मास इनटू, ए एक्सेलरेशन है भैया, ए का मतलब यहाँ क्या है भैया, एक्सेलरेशन। ये सब तो पीछे पढ़े हैं ना दोस्त, याद रखें आप लोग, एक्सेलरेशन। फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका
मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर क्या होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। लिखो स्मॉल वी होगा वेलोसिटी के लिए, ठीक है सिंबल ध्यान से लिखो, जल्दी से लिखो, लिखिए आप लोग। नोट डाउन हुआ, सबने लिख लिए भाई, जल्दी से करिए। ठीक है भाई आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक। अब देखिए इसमें, अब इसको अगर हमें सेकेंड अगर अदर वर्ड्स में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, मास तो किसी बॉडी का सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, मास बदलता है लेकिन जब बॉडी आपका क्या हो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे। लाइट की स्पीड कितनी है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर जाती है। अगर इतनी स्पीड से कोई बॉडी ट्रेवल करेगी तभी उसका मास बदलेगा, अदरवाइज उसका मास ये छोटे मोटे वेव स्पीड से वेलोसिटी से बदलने वाला नहीं है, तो मास अभी हम कांस्टेंट मान कर चल रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, हम दूसरे तरीके से इसी लॉ को आप क्या लिख सकते हैं ये समझिए। देखिए मास तो किसी बॉडी का कांस्टेंट ही होता भैया, इसका मतलब फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब एक्सीलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जब भी हम किसी बॉडी सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब बॉडी मूव हो रही है हम मान रहे हैं ये, तभी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, मूव नहीं होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा जीरो होगा ना, वेलोसिटी भी जीरो होगी तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा जीरो। जब हम किसी बॉडी सिस्टम पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स जो अप्लाइड कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस, मतलब जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उसमें त्वरण उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब उसका वेग जो होगा उसकी वेलोसिटी जो होगी उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर फोर्स को बल को हम वेग या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, विपरीत दिशा में लगाएं, तो उसका वेग घटेगा भी त्वरण तब भी बदलेगा उसका, लेकिन नेटिवली रिटार्डेशन उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मंदन बोलते हैं, अवमंदन या फिर क्या बोलते हैं मंदन बोलते हैं, तब वेग क्या होता है घटता है। जब फोर्स अप्लाई करने पे वेग बढ़े वेलोसिटी आपकी बढ़े तो बोलते हैं उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब धनात्मक त्वरण, लेकिन जब फोर्स लगाने पे उसका क्या होगा वेलोसिटी या वेग उसका घटे उसको बोल देते हैं क्या ऋणात्मक त्वरण या नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं रिटार्डेशन, हिंदी में कहते हैं अवमंदन या मंदन, ठीक है। ये होता है आपका, इसी को सेकेंड वे में लिख लीजिए, लिखो हाँ अदर वर्ड्स में क्या लिखेंगे, दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, इन अदर वर्ड्स लिखो, इसको बोलेंगे लिखो हाँ इसको लिखो, इसको सिंबल बना लो फिर लिखो दैट इज, इसका मतलब क्या है अदर वर्ड्स में लिखिए, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देखिए बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, मतलब अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, उसकी वेलोसिटी घट रही होगी तब भी एक्सेलरेशन उसका चेंज होगा लेकिन घटेगा नेगेटिवली चेंज होगा, तो हम केवल चेंज की बात करेंगे। इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड
एंड एन एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी देन चेंज इन एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन में चेंज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, है ना. देन चेंज इन एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देन चेंज इन एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. हाँ, आप कैसे लिखोगे? अगर किसी वस्तु पर हमने बल लगाया और वस्तु में त्वरण क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न जो त्वरण होगा आपका वो लगाए गए बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है. किसी वस्तु पे बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है. ये है दूसरे शब्दों में इसकी, ठीक है, लॉ न्यूटन का. ठीक है, डन. लिखो, चलो लिखो लिखो, मैं बताता हूँ, जल्दी से नोट करो, लिखो लिखो. किसी वस्तु में लिखो, या किसी वस्तु पर, जल्दी से लिखो, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि त्वरण उत्पन्न हो रहा हो तो हाँ यदि त्वरण त्वरण उत्पन्न हो रहा हो तो जल्दी से लिखो त्वरण उत्पन्न हो रहा हो तो त्वरण लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है. तो त्वरण लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है. तो त्वरण लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है. ये है उसका दूसरा. अब थर्ड लॉ क्या था हमारा? अच्छा, सेकेंड लॉ की कोई एग्जांपल में बताओ. देखो, अगर फोर्स जो है आपका एक्सीलरेशन, जो चेंज इन एक्सीलरेशन है, वो अप्लाइड फोर्स के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब जितना कम से कम फोर्स होगा उतना कम से कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा. जितना कम से कम फोर्स होगा उतना क्या होगा, कम से कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा. इसीलिए तुम देखोगे कभी भी जो क्रिकेटर आपके कैच लेते हैं, अगर मैच खेल रहे हैं, वो कभी कैच करते हैं तो कैच करने के बाद अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे करते हैं, बॉल के ही डायरेक्शन में बॉल को धीरे धीरे लेकर जाते हैं, ताकि उसका जो चेंज इन एक्सेलरेशन है, उसके जो त्वरण में परिवर्तन है, वो तो है हो छोटा हो. जो त्वरण में परिवर्तन अगर छोटा होगा तो बल भी, या उसका जो फोर्स लगेगा बॉल की वजह से, जो उस पर ठक्कर लगेगी वो भी क्या होगी, कम होगी. नहीं तो उसको चोट लग सकती है ना, डायरेक्ट ऐसे पकड़ लेंगे, बॉल भी हाथ से निकल के बाहर सकती है, बाहर भी जा सकती है, बहुत अपने रिजिडली अगर पकड़ने की कोशिश की तो. इसलिए उसको क्या करता है, पीछे ले जाते हैं. बहुत सारे एग्जांपल हैं. हाँ, फोर्स को कम करना होता है. बॉल के डायरेक्शन में उसको पीछे खींचे हो तो हम उसको क्या करेंगे, बॉल को हमने पकड़ लिया, धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं, तो अचानक से उसका वेलोसिटी हमने जीरो नहीं की, धीरे धीरे जीरो की, ताकि फोर्स हमारा क्या हो, कम से कम लगे. नहीं बहुत तेज झटका लगेगा, आपको चोट भी लग सकती है अगर लेदर वॉलीबॉल है तो. सीट बेल्ट तो हमने इनर्शिया का एग्जांपल बताया दोस्त, आप थोड़ा लेट से आए ना. हाँ, इसीलिए सीट बेल्ट का हमने ये कॉन्सेप्ट बताया. जैसे मान लीजिए आप कार में बैठे हैं, कार जा रही है, कार मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने अचानक से ब्रेक लगा दिया, एकदम फुल ब्रेक लगा दिया, तो कार रुकेगी, आपकी बॉडी का नीचे वाला हिस्सा कार के साथ रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो फ्री है ना, तो वो आगे की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा. तो हो सकता है आप स्टीयरिंग पे बैठे हैं तो स्टीयरिंग से आपका सर टकरा जाएगा, या सामने जो भी चीज़ है उससे आप टकरा जाएंगे. सीट बेल्ट लगाए रहेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी को बांध कर रखेगी, कार अचानक से रुकेगी भी तो नीचे वाला पोर्शन तो बॉडी का रुक जाएगा कार के साथ, अपर पोर्शन भी हमने क्या किया, सीट बेल्ट से बांध के रखा हुआ है, तो वो भी कार के साथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो आप आगे की तरफ नहीं जाएंगे.
स्टीयरिंग से टकराएंगे नहीं, सारा नहीं टकराएगा, गोल गोल नहीं घूमेगा, बचे रहेंगे। इसीलिए आजकल इन सभी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखकर बहुत बड़ी बड़ी कार कंपनीज क्या कर रही हैं, अब वो क्या करते हैं, एयर वाल्व दे रहे हैं ना तुम्हारे सेफ्टी वाल्व के लिए, एयर बैग दे रहे हैं उसमें आपके कार में होगा, कहीं बहुत तेज़ी से ठोकर लगा कुछ भी हुआ तो एयर बैग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ताकि आपका सर न टकराए, आप कहीं लड़े उड़े तो कम से कम आपका थोबड़ा बचा रहे। ऐसा कुछ आता है व्यवस्था उसमें, रहता है कि नहीं इंतज़ाम, ऐसा रहता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो वो हमने पहले डिस्कस किया दोस्त, आप लेट आते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, आप लेट इज़ बेटर देन मिस्टर लेट, संडे का दिन है, अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंडियंस हैं, हम टाइम पे आ गए तो हम अपनी वर्च्यू खो देंगे, चलो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा दोस्त। चलो थर्ड लॉ क्या है, हेडिंग करो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, या इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इनर्सिया का ही एक अच्छा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ठंडी के दिनों में आप लोगों के पास या गर्मी के दिनों में जो कपड़े होते हैं आपके, रजाई गद्दा जो भी है, आप देखो क्या करते हैं, अगर धूल मिट्टी बढ़ जाती है तो बाहर निकालते हैं, डंडे से पीटते हैं, उसमें से देखिए धूल निकलता है कि नहीं, कभी आपने नोटिस किया है, निकलता है, क्योंकि डंडे से जब पीटेंगे तो जो आप ये रजाई गद्दा जो भी वो कपड़ा है नीचे बहुत तेज़ी से बैठता है, तो जो डस्ट पार्टिकल हैं अभी भी ऊपर बने रहना चाहते हैं, तो उससे क्या हो जाते हैं, हम बाहर हो जाते हैं, तो फिर वही उड़ने लगते हैं, इस तरह से उसका डस्ट हम क्या करते हैं, निकालते हैं। अब शर्ट को ना पीटने लग जाना कि कॉलर गंदी हो गई, शर्ट गंदा हो गया, पीट पीट के डस्ट निकाल देंगे, भैया शर्ट ही फट जाएगी, वो तब है जो बाहर से, अब वो तो चिपक जाते हैं ना इस पर बैठ कर, है ना, स्टिकी होते हैं वो, चिपक जाते हैं, वहाँ जो डस्ट पार्टिकल बाहर से आकर बैठे हैं तो पीट पीट कर निकाला जा सकता, नहीं पीट पीट कर शर्ट ही क्या कर दिया आपने, ख़राब कर दी, तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना। फिर घर वाले तुम्हारी इनर्जी निकाल देंगे, ठीक है ना, ठीक है। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए न्यूटन साहब थर्ड लॉ में क्या कहते हैं, लिखिए, वो कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देर इज एन, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। आप देखो ऐसे लिख लेना, प्रत्येक, देखिए न्यूटन साहब थर्ड लॉ में कहते हैं, आप लिख लीजिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल दे रहा हूँ, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ज़्यादा लेती हूँ ना, समय ज़्यादा है ये, आप लिखिएगा, मोबाइल है ना आपके पास, घर पे है, अभी मैं सिस्टम बता देता हूँ, आप लेकर आइए, कैसे करेंगे हर चीज़ आपको बता देते हैं, ठीक। न्यूटन अपने थर्ड लॉ में कहते हैं, इस ब्रह्मांड में हर एक क्रिया के लिए बराबर बराबर क्या होगी, प्रतिक्रिया भी मिलेगी, प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत क्या मिलेगी, प्रतिक्रिया भी मिलेगी, हर क्रिया के लिए बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया तो हमेशा विपरीत ही होती है, बराबर प्रतिक्रिया मिलेगी इस ब्रह्मांड में, ये न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप क्या देख सकते हैं, जैसे अगर कोई गन शूट कर रहा हो, गन क्या कर रहा हो, शूट कर रहा है, वो राइफल है आपके पास मान लेते हैं, या वो जो गन आती है जो शूटर वाली, जब वो शूट करता है AK-47 जो भी समझो, तो बहुत तेज़ी से झटका पीछे भी लगता है इंसान को, जो इंसान उसको पकड़ के बैठा है उसको भी झटका, क्योंकि बुलेट जब आगे की तरफ फायर होता है तो रिएक्टिव फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा, तो वो झटका पीछे मारेगा कि नहीं, गन आपकी रिटर्न होगी पीछे, तो आपको भाई थोड़ा सा झटका लगेगा, आपको थोड़ा जर्क लगेगा। और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आप समझना चाहते हैं तो आप रॉकेट को देखिए, रॉकेट को देखा आपने स्काई में कभी जाते हुए, बहुत दूर तो नहीं देख पाएंगे, तो वो जलता है तो उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो फ्यूल जलेगा, जब वो फ्यूल रॉकेट में जो फ्यूल भरा होगा, फ्यूल जलेगा तो उससे गैस बहुत तेज़ी से बाहर क्या होगी, निकलेगी, तो गैस बाहर निकलेगी, तो गैस तो बाहर की तरफ निकल रही बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उस गैस के कारण जो रिएक्टिव फोर्स होगा वो आगे की तरफ लगेगा और रॉकेट आपका क्या होगा, आगे बढ़ेगा। मिसाइल्स रॉकेट्स आपके इसी तरह से क्या होते हैं, मूव होते हैं आगे। हाँ, जैसे आप इसका एग्जांपल देखिए, आप गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे में खूब हवा भर दीजिए,
गुब्बारे को छोड़ दीजिए, देखिए बहुत तेज़ी से भागता है कि नहीं, क्योंकि गुब्बारे में जो हवा भरा हुआ है बहुत तेज़ी से पीछे निकलेगा, तो वो उसको रिपेल करेगा ना, तो अपने आप को बहुत आगे से बहुत तेज़ी से आगे लेकर भागेगा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के हैं। जैसे किसी को आप बहुत तेज़ी से थप्पड़ मारो तो आपके भी हाथ में भी थोड़ा चोट महसूस होता है कि नहीं, चोट लगे तो उसको तो दर्द मुझे होता है, वो तो दूसरा है, लेकिन आप किसी को हिट करो या दीवार में हिट करो तो आपको भी चोट लगती है, महसूस होता है कि नहीं, है ना। जैसे बॉल को हम दीवार पे फेंके तो बॉल टकरा के हमारे पास, मतलब हमने उस पर फोर्स लगाया तो दीवार भी उस पर उतना ही फोर्स लगा के हमें क्या कर दी, फिर से वापस भेज दी। ये लॉ ऑफ एक्शन एंड क्या है, रिएक्शन। जैसे मेरा एक्शन क्या है, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मेरी इस एक्शन के लिए रिएक्शन क्या होगा, आप मुझे जो विटामिन एम देते हो वही तो है। रिएक्शन इंस्टेंट हो तो उसका आपको समझ में आता है, कभी कभी रिएक्शन बहुत देर से आता है। जैसे मैं कुछ चीज़ें क्लास में पढ़ाता हूँ, आप लोगों को अगले दिन समझ में आता है, अच्छा इसका मतलब ये था, तो इस एक्शन का रिएक्शन कभी कभी बहुत बाद में ही आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रिएक्शन हमेशा क्या होता है, आपको इंस्टेंट दिखता है, तुरंत दिखता है। जैसे आप तुरंत कहीं हिट कर रहे हैं तो तुरंत आपको वो चोट या जो भी है चीज़ें आपको फील हो जाएंगी। बाल को हमने तुरंत हिट कर दिया तो वो नहीं दीवार कहेगा हम रख लेंगे बेटा कल देंगे इसका जवाब, तुरंत वो क्या करेगा, उसको इंस्टेंट रिएक्शन होता है। रॉकेट में फ्यूल तुरंत चल रहा है, गैस बाहर निकल रही है, तो तुरंत उस पर इंस्टेंट फोर्स लगेगा आगे की तरफ, रॉकेट आगे की तरफ तुरंत क्या होगा, आगे बढ़ेगा। गुब्बारे में हवा भरा हुआ है, तुरंत हवा निकल रहा है तो तुरंत वो आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि हवा आज निकाल ले बेटा कल बढ़ूंगा आज मेरा मूड नहीं है, तुरंत होगा, वो इंस्टेंट होता है। तो ये लॉ ऑफ एक्शन एंड क्या है, रिएक्शन है। बात समझ में आई, न्यूटन का ये थर्ड लॉ है। आपका एक होमवर्क रहेगा, आप इसमें लिखेंगे, आपको हमने तीनों लॉ बताए न्यूटन के, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ एंड तीनों लॉ में आप कम से कम तीन तीन एग्जाम्पल लिखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो एग्जामिनेशन हॉल में आप कोट कर सकें। हमने एग्जाम्पल बहुत डिस्कस किए, हाँ हाँ जो भी है आप जैसे भी कुछ बढ़िया एग्जाम्पल आप सेट करके लिख लो, बाकी हमने आपसे डिस्कस कर लिया, आपको बता दिए इतने सारे, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में कभी एग्जाम्पल लिखने का आए तो आप कोट कर सको, या वहाँ क्वेश्चन दिया तो आप समझ पाओ कि इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है। मान लो इस तरह की स्टोरी इन्होंने क्रिएट किया, अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें न्यूटन का कौन सा लग रहा है लॉ, तो आप बता पाओगे ना, बता पाओगे कि नहीं। फिर इनर्शिया का भी एग्जाम्पल ध्यान में रखना कि कौन इनर्शिया है, किस टाइप का इनर्शिया है, इनर्शिया को भी हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा, हमने सब कुछ बता दिया, आप लोग लिखो उसको, देखो समझो और पढ़ो। एक सब एग्जाम्पल के साथ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें आपके हो रही हैं उनको रियलाइज़ करते रहो, तो इससे जो चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेंगी। केवल किताबों की लैंग्वेज ही पढ़ के रखेंगे तो चीज़ें एक टाइम के बाद क्या होने लगती हैं, भूलने लगती है, दिमाग से निकलने लगती हैं, वॉश आउट होने लगता है वो। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की इवेंट से जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं उससे रिलेट करके देखेंगे तो आपके अपने टॉपिक और कॉन्सेप्ट भी क्या रहेंगे, फिर एग्जामिनर चाहे जितना भी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे, कितना भी घुमा दे, आपको आंसर करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और एग्जामिनर हमारे आप में बीच में से ही तो कोई होता है, हमारे आप जैसा ही तो सोच रहा है, बस उस टॉपिक को वो बहुत डीप में समझा हुआ है, इसलिए हर एंगल से क्वेश्चन बना सकता है, देख सकता है, जान सकता है। आप भी उस टॉपिक को उस एंगल से उस लेवल पर समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए चीज़ों को रियलाइज़ करो और एनालिसिस करते रहो, इस तरह से पढ़ कर धीरे धीरे क्या करो, आगे बढ़िए। आप लोग बात समझ में आई हमारी। अब न्यूटन के तीनों लॉ हो गए, और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपका, जैसे लीनियर मोमेंटम हमने बता दिया, इम्पल्स बता दिया, और सब एग्जांपल्स हैं ना तुम्हारे, इसमें आप लोग इसको लिखिएगा। बात समझ में आई हमारी, ठीक है ना। और टॉपिक्स अभी पढ़े हम लोग कुछ, एक और टॉपिक और पढ़ लें, है एनर्जी बची, बोलो भाई, ठीक है वॉकिंग में थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब, जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे पैर के कारण फोर्स किधर लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे हम चलते हैं ना, तो देखिए हमारे पंजे क्या होते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं ना, तो वो धरती वो सरफेस जिस पे हमने पैर रखा हुआ है हम पे फोर्स किधर लगाती है, आगे की तरफ, तभी हम आगे चल पाते हैं। हाँ बेसिकली वो पीछे की तरफ जो लग रहा है वो हमारा फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यही सरफेस बहुत स्मूथ हो तो आपका पैर बहुत तेजी से स्लिप कर जाता है कि नहीं, अब आगे बढ़ पाओगे क्या, नहीं, आप तुरंत अपने मुंह के बल गिर जाएंगे। तो फ्रिक्शन ही है बेसिकली, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के क्या होता है, अपोजिट लगता है। इस फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पा रहे हैं, अदरवाइज चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमने बर्फ़ की छिल्ली का एग्जाम्पल दिया रखा है, आप चलिए ऑयल लगा दिए हम इस फ्लोर पर तो चलना आपके लिए बहुत क्या हो जाएगा। या बारिश के दिनों में देखिए, जब बहुत कीचड़ हो जाए पैर स्लिप करता है, चलना मुश्किल हो जाता है कि नहीं, नहीं चल जाता, हो जाता है। तो ये सब आपकी एग्जाम्पल है, ऐसी चीज़ों को रिलेट करके रखो, चीज़ें समझना क्या रहेंगी, थोड़ा आसान रहेंगी और भूलोगे भी नहीं आप चीज़ों को, ठीक है ना। तो जो भी एग्जाम्पल मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, आप इजीली उसको डील कर लेंगे।
पासवर्ड में आ गई। और कोई एग्जांपल कुछ जानना चाहते हो, कोई और डाउट हो तो पूछ लो। बाकी और जो टॉपिक्स हैं रिमेनिंग टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे सब एक एक करके। बुलेट वाला हमने एग्जांपल बता दिया आपको, मिसाइल का बता दिया, रॉकेट का बता दिया। कोई एक दो तीन एग्जांपल आप अच्छा सा अपना रख लो ताकि एग्जामिनेशन हाल में आए तो आप अच्छे से इसको कोट कर सको, लिख सको, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे जब आप लोग नई एनर्जी के साथ यहाँ आएंगे। समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। उससे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। अभी बताएंगे ये सब फॉर्मूले क्या है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या है। न्यूटन साहब ने ये बताया कि कोई भी दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो हम दो जन का जो बॉडी है, हम सबकी जो बॉडी है, एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो वो हम फील क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हम बताएंगे क्यों नहीं फील कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, या लग भी रहा है तो कैसे लग रहा है, कितने अमाउंट में लग रहा है, कैसे क्या है, ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे। आज के लिए इतना रखें फिलहाल, ठीक है भैया, ठीक है भैया, थैंक यू, थैंक यू फॉर द डे।